हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य के बारे में। किसके? मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पंचवर्षीय कार्यक्रमों के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित चैप्टर खत्म हो गए, वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। एक दो और चैप्टर बचे हुए, इससे संबंधित आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश पूरा। मध्य प्रदेश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। योजनाओं के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। योजनाओं के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के सूत्रपात के समय तक मध्य प्रदेश को वर्तमान स्वरूप प्राप्त नहीं था। उस समय मध्य प्रदेश के चार भाग थे और इन चारों भागों की अपनी अपनी पृथक योजनाएं थी। तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के, इस समय मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप नहीं था, इसलिए यहाँ लागू नहीं हुई। प्रथम योजना का आपका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में कृषि आधार को सुदृढ़ता प्रदान करना था। कुल योजना परिव्यय का 30.97% भाग कृषि एवं सामुदायिक विकास के लिए निर्धारित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 मार्च 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य में गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया था। इस अवधि में राजकीय आय की शुद्ध चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर 5.5% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच में कृषि के साथ उद्योगों के विकास को भी प्रमुख स्थानीय स्थान दिया गया इसमें। ठीक है, फिर आपकी क्या आती है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 से ही मध्य प्रदेश में नियोजन का प्रारंभ माना जाता है। तो याद रखिए, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ, तब हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ जब लागू हुई, ये भी मध्य प्रदेश में नियोजन का प्रारंभ माना गया योजना आयोग। ठीक है, तो पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में योजना पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, कौन सी योजना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस योजना में सिंचाई साधनों के साथ कृषि एवं शिक्षा पर भी बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम 2 वर्षों में प्राकृतिक संकटों तथा राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न परिस्थिति के कारण अगली पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया तथा इसके स्थान पर 1966-67, 1967-68, 1968-69 की 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, फिर आती है आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। 1966 में प्रारंभ होना था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को, 1966 में प्रारंभ होना था, परंतु 3 वर्ष बाद 1969 से लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य था आपका विकास कार्यक्रम को स्थायी गति प्रदान करना। क्या लक्ष्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का? विकास कार्यक्रम को स्थायी गति प्रदान करना, इसका प्रमुख कार्य था। फिर आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना,
इसका समय रहा 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। इसका मेन उद्देश्य था कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करना, कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करना, क्या था। अगले भी बात करते हैं हम लोग, 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक समय रहा है इसका। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया इसमें। फिर आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक इसका समय रहा। इस पंचवर्षीय में सर्वाधिक व्यय कृषि एवं सिंचाई पर किया गया। 1990-52 में तब दो वार्षिक योजनाओं के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1952 से 92 से 31 मार्च 1997 में ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर आती है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये आती है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक। इसका उद्देश्य स्थायित्व के साथ साथ आर्थिक वृद्धि दर को तेज करना, समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की दर 4.4% थी, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय विकास की वार्षिक दर 5.5% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय रहा 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2007 के निर्धारित किया गया था, ठीक है। समग्र विकास दर ये रहा था 1997 से 2002 तक, ठीक है। ये आपका 2002 से 2007, 5 वर्ष का होता है ना। इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में समग्र विकास दर 7% लाना था, साक्षरता दर 75% लाना था। जनसंख्या वृद्धि दर को 2011 तक 1.62% पर लाना था। प्रदेश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 गरीबों के स्तर को 38% से घटाकर 25% तक लाना था इसका उद्देश्य था। इसके साथ ही योजना तक के अंत तक साक्षरता दर को 84% तक प्राप्त करना था तथा साक्षरता के लैंगिक अंतर को 14% तक कम करना था। 11वीं योजना में प्रारंभिक विकास की औसत दर 7.6% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की विकास दर 12% रखी गई थी। कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र में 9%, उद्योग क्षेत्र में 12% और सेवा क्षेत्र में 13.75% वृद्धि दर प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत साक्षरता दर 100%, साक्षरता में लिंग भेद को 0% तक लाना, जनसंख्या वृद्धि दर को 2017 तक 1.62% वार्षिक तक लाना था, 0 से 6 वर्ष की आयु समूह का लिंग अनुपात 950 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया था, कुपोषण को 20% एवं एनीमिया के स्तर को 25% तक लाना था, मातृत्व मृत्यु दर को 125, शिशु मृत्यु दर को 35, कुल प्रजनन दर को 2.1 करते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय रुपये करोड़ में था, ठीक, विकास मद परिव्यय और प्रतिशत अंक। कृषि एवं संवर्गीय योजना में 17,475.39 करोड़ और प्रतिशत अंक था 8.66। ग्रामीण विकास 12,976.80 करोड़ और इसका प्रतिशत अंक था 6.43। विशेष सत्र कार्यक्रम 8,356.90 करोड़, इसका प्रतिशत अंक था 4.14। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 27,500
527.60 करोड़, इसका प्रतिशत अंक था 13.64। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में 20,596.41 करोड़, इसका प्रतिशत अंक था 10.20। उद्योग एवं खनन की बात करें तो 5,664.70 करोड़ और इसका प्रतिशत था 2.81। परिवहन की बात करें तो 24,610.90 करोड़, इसका प्रतिशत था 12.19। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण 594 करोड़, ये था प्रतिशत अंक में 0.29। सामान्य आर्थिक सेवाएं 3,354.99 करोड़, अंक था इसका प्रतिशत अंक 1.66। सामान्य सामाजिक सेवाएं 79,839.22 करोड़, तो इसका प्रतिशत अंक था 39.55। सामान्य सेवाएं 865.09, तो इसका प्रतिशत में था 0.43। कुल की बात करें तो ये था आपका 2,01,862 करोड़, ठीक है, 100%। एक बार और देख लेते हैं चार्ट के रूप में मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं। ये योजनाएं आपकी वर्ष है, अनुमोदित परिव्यय वास्तविक करोड़, प्रमुख लक्ष्य। प्रथम योजना 1951 से 56 तक आपको याद रखना है, इस प्रमुख लक्ष्य था इसका कृषि, क्योंकि याद रखना हो तो रख लेना, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी है ये, इसके प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य, इसका वर्ष, टाइम, काल, समय और योजना। द्वितीय योजना 1956 से 61, ये उद्योग लक्ष्य था इसका। तृतीय योजना 1961 से 66, 67 से 68, 68 से 69, इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई। चतुर्थ योजना 1969 से 74, इसका प्रमुख लक्ष्य था विकास कार्यक्रम का स्थायित्व। पांचवी योजना 1974 से 69, इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि। छठी योजना की बात करें तो 1980 से 85, कृषि संबंधित क्षेत्र इसका प्रमुख लक्ष्य था। सातवीं योजना 85 से 90, 1985 से 90, ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य था कृषि सिंचाई। वार्षिक योजना है फिर चली 1992 से 92, ठीक। फिर आठवीं योजना आ गई, आठवीं योजना आपकी 1992 से 1997 तक ग्रामीण विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। नौवीं योजना 1997 से 2002 तक सर्वांगीण विकास था इसका प्रमुख लक्ष्य। दसवीं योजना 2002 से 2007 तक समग्र विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, तीव्र एवं अत्यधिक समावेशी विकास। बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक समावेशी विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था। ये थी आपकी पंचवर्षीय योजना। जैसा कि आपको पता होगा 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई है, उसके बाद बंद कर दी गई है, ठीक है, याद रखना। वो जो योजना आयोग था इसकी जगह आपका नीति आयोग आ गया, अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश में जो योजनाएं होंगी लागू उनके बारे में, पंचवर्षीय जो कार्यक्रम थे उनके बारे में। आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश एक दृष्टि में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बचा हुआ है समसामयिकी एवं विभेद, तो याद रखना, इसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं तो उसी से हो जाएगा। एक कल्याणकारी कार्यक्रम भी देखना है बस, और फिर आपके जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बचे हुए
भी हम लोगों ने देख ही लिए है, एमपी स्पेशल जो है आपकी उसमें डली हुई है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम देख लिए हैं, और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार नियम है उसे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था इन तीनों एक्टों को। ठीक है, तो इसमें हमारी एक दो चैप्टर बचे हुए हैं, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में और कल्याणकारी कार्यक्रम। ठीक।